इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL, इसका मन में काफ़ी सवाल आ रहा है आपके कि यार क्या करूँ मैं। मेरे कल के वीडियो पे कमेंट भी आए थे कि क्या करूँ मैं इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों स्टॉक डाउन जा रहा है। काफ़ी लोग ऐसे भी है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हम टारगेट क्या लेके चलना पड़ेगा इस कंपनी के बारे में, क्या है इसकी राय और क्या है अपडेट बोनस की। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों आज आपको 0.35% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, लेकिन गिरावट हुई है ये बात नहीं हुई, गिरावट हुई इस कंपनी में। लेकिन एक बात कहूँगा मैं आपको, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है कंपनी को, और लॉन्ग टाइम के लिए इस कंपनी को देख रहे हो आप तो IOCL देख सकते हो। कंपनी ने हाल ही में एक ऑर्डर लिया था, टाटा पावर ने, और इस दोनों ने ऑर्डर मिला के एक ऑर्डर लिया था चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी तेजी देखने मिली, 185-181 का हाई बनाया कंपनी ने। हाई बनाने के बाद दोस्तों लोअर सेगमेंट में एंटर हो चुका है कंपनी। कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, यहाँ पे मार्केट के अच्छा बना लिया है इस कंपनी ने। धीरे 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 ऑर्डर भी काफ़ी मिल रहे हैं इसको, लेकिन ऑर्डर पर काम नहीं चल रहा है, ऑर्डर पेंडिंग पड़े इसके ऊपर, काफ़ी ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन मैं कहूँगा इसके बारे में दोस्तों, कंपनी आपको आने वाले 6 महीने का टारगेट 210 का देने वाली है। कंपनी में दोस्तों कल के मुकाबले आज भी वॉल्यूम बढ़ोतरी देखने मिली आपको, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आपके पास ए डे स्टॉक पोर्टफोलियो में तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।